हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयंत, आपका रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड से समझ गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में कोटा रेलवे स्टेशन के बारे में बात करने वाला हूं, और साथ ही जो यहां से एक नई ट्रेन खुलने वाली है, जो पहले रांची से भागलपुर के बीच में 18603 18604 रांची भागलपुर एक्सप्रेस चलती थी, अब ये रांची गोड्डा एक्सप्रेस बनकर 26 सितंबर से चलने जा रही है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने चैनल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल रेल एडवेंचर, जहाँ पे आपको रेलवे से रिलेटेड न्यूज, अपडेट, नोटिफिकेशन, साथ ही साथ रेल फैनिंग वीडियोस और ब्लॉग्स, ये सारी चीजें हमारे चैनल पे मिलती रहती है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर आईडी है भागलपुर रेल। फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं रेल एडवेंचर्स, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्विटर पे आप हमें अवश्य फॉलो करें, 1000 से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पे सारे तरह की जो रेलवे अपडेट्स है, क्योंकि कई बार होता है हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और कोई अपडेट्स काफी लेट नाइट आती है, तो वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पे अगर चेक करते रहेंगे, हमें अगर फॉलो करेंगे और चेक करते रहेंगे अपडेट्स, तो आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे भी हमें फॉलो करें, और साथ में यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के लिए हमें आप यहाँ पे जो सब्सक्राइब हियर आप देख पा रहे हैं, इसको आप जैसे क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होगा, और यहाँ कुछ है कंफर्म चैनल सब्सक्रिप्शन, आर यू वांट टू सब्सक्राइब रेलवे, तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का चैनल है, तो यहाँ यू मे नॉट सब्सक्राइब टू योर सेल्फ लिखा हुआ, यहाँ आपके लिए सब्सक्राइब हो जा रहा है। चलिए अब हम वापस आते हैं वीडियोस के ऊपर। हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं इस कैटेगरी के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप हमारे सारे वीडियोस को देख पाएंगे, जितने भी लेटेस्ट हम अपलोड करते रहते हैं। और आप में से कई भाइयों की ये डिमांड आती है कि आप हमारी अंग एक्सप्रेस की वीडियो, विक्रम शिला की वीडियो या किसी और ट्रेन की वीडियो आप अपलोड करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपके लिए वो ट्रेन की वीडियो अपलोड कर दूं उसी टाइम, वो रेंडमली जैसे हमें टाइम मिलता है हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो वीडियो शूट करते हैं। पर ऑलरेडी हमने सभी ट्रेन की वीडियो 50 से किसी की 50, किसी की 40 तरह की शूट कर रखी है, क्योंकि हम 4 साल से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आपको काफी तरह की कैटेगरी, गुजरात की, जम्मू की, उड़ीसा की, बरेली की, मुरादाबाद की, बिलासपुर, जयपुर, टाटानगर, क्लोन ट्रेन, बरौनी, रोरो ट्रेन, इसके बाद ट्रेनिंग पीटी बैक मोड, ठीक है, और संपूर्ण क्रांति हो गई, नागपुर ट्रेन हो गई, भागलपुर, इस तरह की सभी ट्रेन की वीडियो, इंटरसिटी पंजाब हरियाणा ट्रेन, इस तरह की हर कैटेगरी की, और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस, इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आप यहाँ पे वीडियो आके जरूर देखें, और हम जल्द से जल्द उस आपकी डिमांड को पूरा करेंगे और नए वीडियो भी लाएंगे। पर अगर आपको उस टाइम तक देखने से विक्रम शिला की, आप देख सकते हैं मैक्सिमम हमारे चैनल पे 77 वीडियो अपलोडेड है, तो हमारे ब्लॉग्स वगैरह भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। फ्लाइट में मैंने एक बार ट्रैवल किया था, उसकी ब्लॉग जब बनाई थी, तो वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है, इस तरह की सारे वीडियो उपलब्ध हैं, तो इसका जरूर आप लाभ उठाएं। प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, होम आता है पहले फिर वीडियो से प्लेलिस्ट, तो जरूर इसका लाभ उठाएं। तो अब चलिए हम आपको आज के जो मेन टॉपिक है हमारा, जो हम बात करने वाले हैं कोटा रांची एक्सप्रेस के बारे में, तो उसकी जानकारी देता हूँ। वैसे फिलहाल अभी टेंटेटिव टाइम टेबल आई है, और जैसे ही इसकी जो कुछ दिन में पी आर आएगा, तो फिर एक और अपडेट लेके आऊंगा। फिलहाल काफी आप लोग में ये जानने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही थी कि क्या इसका टाइम टेबल रहने वाला है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। तो कोटा से चलकर रांची के बीच में ट्रेन 16 घंटे 55 मिनट में 612 किलोमीटर की दूरी 22 हॉल्ट के साथ पूरी करेगी, और ये रविवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। और जिस टाइम पे हम सफर कोटा से भागलपुर की ओर आती है, लगभग उसी टाइम टेबल इसको दिया गया है, पर एक डिफरेंस ये है कि कोटा मंडे चलती है और ये मंडे को नहीं चलेगी, ये संडे बटन से फ्राइडे को चलेगी। कोटा 12:40 में ये खुलेगी, और कोटा से और पुरैया 8:05 में और 1:07 में पुरैया से खुल जाएगी, उसके 1:37 और 2:02 पे वहां से खुल जाएगी। रिवर्सल होगा, लोको का डायरेक्शन चेंज होगा।
और मंदारिन में ये 2:32 में पहुंचकर 2:34 में खुलेगी 2 मिनट के हॉल्ट। 12 हाट में 2:56 में और 2:58 में खुलेगी 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा। तो भागलपुर 4:35 में इसका पहुंचने का वैसे समय है, पर जैसा आपको पता है कि 12 हाट से भागलपुर की दूरी 236 किलोमीटर है। तो ये ट्रेन 3:45 तक उम्मीद है ये भागलपुर जंक्शन पहुंच ही जाएगी और भागलपुर में इसका ऑलमोस्ट हॉल्ट 1 घंटे के आसपास रहेगा। यहाँ पे 4:55 ऑफिशियली तो यहाँ पे इसका सिर्फ 20 मिनट है, पर चूंकि ऐसा टाइम टेबल है तो आराम से 1 घंटे रुकी थी और 4:55 जो यहाँ इसका नॉर्मल टाइम टेबल था यहाँ से खुलने का, तो 4:55 में खुल के रांची सुबह 5:35 में भागलपुर से रांची के बीच में इसके समय में कुछ खास फेरबदल नहीं। हाँ, ये रांची 5:55 तक पहुंचती थी, अब 35 में पहुंचेगी, तो 20 मिनट का समय यहाँ पे बिताया गया है। गोड्डा से वैसे तो शॉर्ट डिस्टेंस रांची के लिए भाया दुमका होता है, जो दुमका एक से एक्सप्रेस ट्रेन डेली जाती है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता, पर उसको एक्सटेंड करना फिलहाल चूंकि वो डेली ट्रेन थी और फिर अभी गोड्डा में स्पेस की कमी है, यार्ड अभी जब तक तैयार नहीं हो जाता तो उस ट्रेवलिंग लाइन की कमी है, इसी कारण उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। इन फ्यूचर जरूर एक्सटेंड की जाएगी और तब सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेन रहेगी। ये थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ी क्योंकि हसदिया जाने में 10-12 घंटे लग रहे हैं। हसदिया नहीं, गोड्डा से लेकर आप देख सकते हैं जसीडी के बीच में जो 4 घंटे में दूरी तय हो सकती थी वाया दुमका, अभी 10-11 घंटे में तय हो रही है, तो ये काफी ज्यादा समय है। पर फिलहाल गोड्डा के लोगों को, जो लोग यूल तक सफर करना चाहते हैं, इसको देख सकते हैं आप मंदारी 12 हाट भागलपुर सुल्तानगंज बजारपुर जमालपुर अगरपुर कचरा फ्यूल से आगे जाना चाहते हैं किसी और ट्रेन को पकड़ के, उनके लिए तो बहुत लाभदायक होगा। बाकी लोग भी जिनको बहुत ज्यादा समय की वो नहीं है जल्दी, तो पर अपने घर से आराम से सफर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये ट्रेन सही है। बाकी आपको बताना चाहूंगा इसकी जो वापसी की ट्रेन है जो रांची से गोड्डा की ओर आएगी वो भी 16 घंटे 20 मिनट में 612 किलोमीटर कवर करेगी और ये ट्रेन ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को चलेगी। रांची ये इससे 3 बजे खुलेगी और ये भागलपुर ये ट्रेन सुबह 3:15 पे आ जाएगी और 35 में खुलेगी। पहले ट्रेन 35 में भागलपुर आती थी, ये थोड़ा सा भागलपुर में इसका 20 मिनट टाइम पहले कर दिया गया है, तो यह 20 मिनट रुकेगी और इलेक्ट्रिक इंजन से इसका परिचालन भागलपुर से रांची के बीच में होगा और भागलपुर से इसको डीजल इंजन लगाया जाएगा और 35 में खुलकर ये 12 हाट होते हुए मंदारिल पहुंचेगी 4:52 और 4:54 में खुल जाएगी। थोड़ा हसिया 5:30 में पहुंच गए 5:55 में खुल जाएगी, 25 मिनट का हॉल्ट फिर से लोगों को चेंज, और पुरैया हाट में इसका 6:23 में पहुंचेगी और 6:25 में खुलेगी और लगभग गोड्डा 7:20 का समय तो दिया गया है। तो पुरैया हाट गोड्डा की दूरी 15 किलोमीटर है, उम्मीद है मेरी 7 बजे तक ये पहुंच जाएगी, फोर टाइम ही रहने वाली है ट्रेन, तो इससे गोड्डा को पहला जो कनेक्शन है अपने राज्य की राजधानी रांची से मिल जाएगा, इससे वहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। वैसे भी निशिकांत दुबे जी हावड़ा के लिए ऑलरेडी कनेक्टिविटी गोड्डा से प्रोवाइड करा ही चुके हैं, मॉर्निंग के टाइम में जो गोड्डा से भागलपुर की तरफ जो DMU ट्रेन चलती है तो वो ट्रेन कवि गुरु एक्सप्रेस के आने के पहले हसदिया पहुंचा देती है, तो वो कनेक्टिविटी मिल जाती है गोड्डा के लोग कनेक्शन उस प्रकार से हसदिया में उतर कर DMU से और फिर आगे जब कवि गुरु से ट्रेवल कर हावड़ा तक जा सकते हैं। इस तरह वापसी में भी कवि गुरु एक्सप्रेस के खुलने के बाद जो हसदिया गोड्डा DMU पैसेंजर है उसके द्वारा वापस आ सकते हैं गोड्डा। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल गोड्डा से आप दुमका होते हुए देवघर की कनेक्टिविटी भी हो गई है और गोड्डा से हावड़ा की कनेक्टिविटी, भागलपुर की दिल्ली की कनेक्टिविटी, अब रांची की कनेक्टिविटी भी मिलने जा रही है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे गोड्डा स्टेशन का प्रति और जब यार्ड बन जाएगा तो उम्मीद है और भी ट्रेन जोड़े जाएंगे। और एक ट्रेन जो मेरे नजर में है कि भागलपुर लोकमान तिलक जो शुक्रवार को आती है और काफी देर यार्ड में रहती है और निशिकांत दुबे जी की इसके ऊपर काफी नजर है पहले से, तो आगे गोड्डा को ऐसी सौगातें भी मिल सकती हैं या नई ट्रेन भी खोल सकते हैं, क्या पता। तो दुबे जी तो क्या कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो जिस प्रकार से ट्रेन लेते हैं बाकी देख के बस चौंकते रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, इतने ट्रेन कैसे खुल गए एक बार में। यहाँ तो कई जगह है ऐसे, हमारा भागलपुर को ही देख लें, काफी समय से यहाँ पे नए ट्रेन का इंतजार हो रहा है
और अभी तक ट्रेन नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर से देवघर के रूट में अब तक कोई ट्रेन नहीं मिली है, जबकि रूट बने 4 साल हो गए आप लोगों के सामने है, और अभी तक फिलहाल जो देवघर के साइड एक अगरतला एक्सप्रेस वो भी दिन में थी तो एक दिन कनेक्शन मिलता था, वो भी रात में 2:00 कुछ पे हो गई है, तो वो भी अब किसी काम की नहीं रही। और बाकी बांका से बसे लगभग 5 वीक में 6 दिन चलती है, वो एक दिन में बस वही कनेक्टिविटी है। तो भागलपुर वालों को देवघर के लिए कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है, उम्मीद है तो वैसे आगे आने वाले समय में इस पर एड्रेस करेंगे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट खुलने के बाद एयरपोर्ट में ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए तब लगातार कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो ये समय आने वाले समय की बात होगी। एयरपोर्ट तो 1-2 महीने में खुलने ही वाला है देवघर का, देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों जानकारी यही तक, जैसे और भी ट्रेन के PR आएंगे, बाकी ट्रेन आपको पता ही है जो देवघर से गोवा पुणे जाने वाली है, और एक जो है अहमदाबाद जाने वाली आसनसोल आया मधुपुर जसीडीह, तो उन ट्रेनों की भी जैसे PR आती है तो आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यही तक, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, आप सभी का दिन मंगलमय हो, जय हिंद।